महावीर के नाम पर हम आयम्बिल कर लेंगे। जैसा ही आयम्बिल का पारणा पूरा हो जाएगा, माटुंगा के अंदर एक महिला ने अट्ठाई कर ली। संवत्सरी का दिन आया, बहू से पूछा कल मेरा पारना है क्या बनाओगी। बहू ने कहा मम्मी जी आप जो कहो वो। सासू ने कहा तो मेरी फेवरेट डिश बनाना। बहू ने कहा ठीक है, क्या थी फेवरेट डिश? बटाटा वड़ा। आज 28 का 8वां उपवास है और कल पारणे में जिसको बटाटा वड़ा चाहिए मुझे कहने दो, रिस्पेक्ट है या रिलेशन है। कितने प्रसंग बताऊं आपको, रिलेशन कैसा होता है समझना है। अहमदाबाद का एक डॉक्टर यूएसए गया था, कॉन्फ्रेंस थी, दोपहर की मीटिंग पूरी हो चुकी, शाम को डिनर था। डिनर कितने बजे होता है? हाँ, सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के बाद। 9 बजे सब लोग जब डिनर के लिए बैठ गए, मित्र ने कहा चलिए डिनर के लिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, आर यू जैन? यस सर। अच्छा, जैन हो इसलिए आप रात को नहीं खाओगे ना? क्या अद्भुत उत्तर दिया है इस डॉक्टर साहब ने कि देखिए रात को खाने से नरक मिलती है, इसीलिए मैंने रात को खाना छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है, मैं यदि रात को खाऊं वो मेरी माँ को पसंद नहीं है, और जब मैं इंडिया जाऊंगा माँ पूछेगी बेटा वहां जाकर के तूने रात को तो नहीं खाया था ना, और मैं यदि हाँ कहूं माँ को चोट लगेगी, मैं यदि ना कहूं माँ खुश हो जाएगी। मेरी माँ को खुश करने के लिए मैं रात को नहीं खाता हूं। यह माँ के साथ रिस्पेक्ट नहीं था, यह माँ के साथ रिलेशन। माँ के साथ रिलेशन हो सकता है, महावीर के साथ क्यों नहीं हो सकता? नंबर 2, कभी कभी आप उपवास भी कर लेते होंगे। पर्युषण के अंदर किसने उपवास किया था? वारे वाह, बहुत अच्छी बात। और कड़ी धूप, प्रतिक्रमण 3 बजे, 6 बजे पूरा हो चुका, 2 बजे में आपने पानी छोड़ दिया था और रात को भयंकर प्यास लगी थी, क्या किया था आपने? 3 नौकार गिन के पानी पी लिया था? नहीं पिया। ऐसे सोए वैसे सोए, चलो किसी के साथ मोबाइल पे बात करेंगे, कल नौकरशी में तू क्या बनाने वाली है, मैं क्या बनाने वाला हूं, टाइम पास करो। हमने टाइम पास किया लेकिन पानी नहीं पिया, सही बात? बताइए जरा, उपवास करने के द्वारा आपने महावीर के साथ रिस्पेक्ट बनाया कि रिलेशन बनाया था? मैं हर बार पूछता रहूंगा और आप हर बार कहते रहोगे रिलेशन, और मैं जब खुलासा करूंगा तब आप बोलोगे नहीं महाराज रिस्पेक्ट था। उपवास के दिनों में आपने कच्चा पानी नहीं पिया, ठंडा नहीं पिया, उबाला हुआ पानी पिया, वो भी मिला तो पिया, नहीं मिला तो नहीं पिया, रिस्पेक्ट था। क्यों? वही हम जब छूटे होते हैं दोनों हाथों से हम आइसक्रीम खा सकते हैं, ठंडा पी सकते हैं, उसके आगे की बात करूं? मैंने सुना है अभी अभी राजस्थानियों के अंदर भी एक समय था मर्यादा का, आज यह मर्यादा टूटने लगी है। मुझे कभी लगता है कि आप यहां पर थे उससे अच्छा था राजस्थान में थे।
राजस्थान में जितने दूषण नहीं थे उससे ज्यादा दूषण आप शहर में आकर के आपके जीवन में आ चुके हैं। बताऊं मैं आपको, ठंडा और आइसक्रीम तो बहुत दूर की बात हो गई महाराज साहब, जरा घर पे आइए, फ्रिज का दरवाजा खोलिए, अंदर से वाइन की बोतल निकलती। हमारे बच्चे दारू पीने लगे, उपवास के अंदर जो उबाला हुआ पानी पीते थे वो जब छूटे हो जाते हैं तो दारू पीना शुरू हो जाता है। अब मुझे बताइए, उपवास या रिस्पेक्ट था कि रिलेशन था? मैं चाहूंगा एक भी उपवास भले ना हो, लेकिन जिंदगी के अंदर कभी यह दूषण मेरे जीवन में ना आवे तो मैं मानूंगा महावीर के साथ रिस्पेक्ट नहीं रिलेशन था।